नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम के प्रजापति। स्वागत है एक बार फिर से राम जी टेक्निकल में। आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग को इन सारी चीजों से बच के रहना चाहिए जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो कुछ अलग टाइप का है, और आपने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा कि ये स्कैम के बारे में है, बहुत बड़े स्कैम के बारे में। और यदि आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से नहीं देखा तो हो सकता है आज नहीं तो कल आपके साथ भी ये स्कैम फ्रॉड हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इसके पहले भी आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो चुका हो, स्कैम हो चुका हो। हम आज बात करने वाले हैं। अभी जस्ट मैं कुछ काम कर रहा था तो मेरे पास एक कॉल आया, और ये कॉल आया भी एक घटना घटी है उसके बाद ही जस्ट आया। जैसे कि मैंने एक फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर दिया है, कोई सामान मंगाया है, उसके बाद फ्लिपकार्ट का मैसेज आया था, और फ्लिपकार्ट पर बोला गया है कि आप अपना लोकेशन शेयर कीजिए और ताकि हमें जो है डिलीवरी देने में आसानी हो। ठीक है, आपके दिए गए पते पर मुझे असुविधा हो रही है, तो मैंने अपना व्हाट्सएप पर लोकेशन भेजा। खैर यहाँ पर फ्लिपकार्ट से मुझे नहीं लगता कि मतलब ज्यादा कुछ मामला है, लेकिन यहाँ पर क्लोज मामला हो सकता है। जैसे होता क्या है कि जो हम कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं और उसमें हम जब अपने मोबाइल नंबर को डालकर ओटीपी से उस ऐप पर रजिस्टर करते हैं, और वो ऐप की कैटेगरी जिस भी कैटेगरी की हो उस कैटेगरी से हमें कॉल आता है, लेकिन जब उस कैटेगरी से अगर कॉल आ रहा है तो हो सकता है कि वो एक जो है एक मार्केटिंग एजेंसी हो जो हमें कॉल करती है अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए। लेकिन अगर उस कैटेगरी से कॉल नहीं आता है तो वो एक फ्रॉड कॉल होता है, और ऐसा ही आज मेरे साथ हुआ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आज जो कॉल आया है वो कॉल पर मुझसे बात हुई है, और मुझे पहली ही बार जब पता चलता है कि भाई ये लकी ड्रॉ का है तो मैं पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देता हूं, लेकिन आज मैंने उनसे बात की महोदया का नाम मैं लूं कि ना लूं कंफ्यूजन में है। ठीक है, लेकिन नाम लेने से भी कोई फायदा नहीं है। यहां पर बात यह है कि आप लोगों को अवेयरनेस, आप लोग को जागरूक होना जरूरी है, ना तो हम उनका कुछ उखाड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे ये लोग जिस नंबर से फोन किए थे वो नंबर जो है टेम्परेरी होता है, उसको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको हटा दिया जाएगा, ना तो उनका रियल नाम होता है ना ही रियल नंबर होता है। मुझसे आधार कार्ड और पैन कार्ड और जो है ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल मांगी गई है, उसके लिए अलग से जो है नंबर दिया गया है। सोचिए ये किस स्तर पर काम चल रहा है, यानी कि कॉल किसी और नंबर से आ रहा है, मुझे कॉल किसी और नंबर से आ रहा है। अब मुझे, मैंने उसने देखा नहीं कि ये जियो है, बीएसएनएल है, एयरटेल का नंबर है, वो मैंने चेक अभी नहीं किया, मैं डायरेक्ट जो है आप लोग को जागरूक करने के लिए चला आया। दूसरा एक नंबर मिला है जो मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड और डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, वो भी क्यों मांगा जा रहा है वो भी मैं बताऊंगा आपको, तो उसके लिए दूसरा नंबर हमसे नोट करवाया गया। ठीक है, और मुझे ऑफर दिया गया था कि आपका जो है फ्लिपकार्ट, सबसे पहले तो पूछा गया कि फ्लिपकार्ट लकी ड्रॉ में आपका नाम आया है क्या आपको पता है, मैंने बोला नहीं भाई मुझे पता नहीं है, मैं तो फ्लिपकार्ट से बस शॉपिंग वॉपिंग करता हूं इतना मुझे पता है। सो उसमें बोलेगा कि नहीं, जैसे आप अपना जन्मदिन मनाते हैं दूसरे लोग बर्थडे मनाते हैं, उसी तरीके से फ्लिपकार्ट भी जो है अपना जन्मदिन मना रहा है, उसमें आपका नंबर लकी ड्रॉ में आया है। आप में से बहुत सारे लोग ये समझ गए होंगे कि मैं किस तरह के फ्रॉड स्कैम के बारे में बात कर रहा हूं। ऐसी बहुत सारे कॉल्स हो सकता है आप लोगों के पास भी अलग अलग ऑफर के तहत आ चुके हो, और पैसे की जो रकम है, जो रुपए की रकम है, जो मनी के लालच दिया जाता है, वो रकम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। मुझे जो दिया गया है आज वो था 12 लाख कुछ, 12.5 लाख कुछ समथिंग रुपए का ऐसा था, और बोला गया है कि भाई आप क्या लोगे, आप पैसे लोगे, आप पूरे 12 लाख रुपए लोगे, या फिर आप यहां पर कार लोगे। मैंने बोला कि कार में कौन सी कार है, तो उन्होंने बोला सफारी कार। उन्होंने बोला कौन सा कलर लोगे, तो उन्होंने कलर के ऑप्शन भी गुनाए, हालांकि उन्होंने सफेद का नहीं बोला था, मैंने सामने से बोला सफेद का, उनको लग रहा था आप वो मुझे घुमा रहे, लेकिन मैं उनको ही घुमा रहा था। ठीक है, लेकिन असली मजा तभी आता है जब आपको कोई घुमा रहा हो, उसको लग रहा हो कि वो आपको घुमा रहा है लेकिन आप सब कुछ समझ रहे हो, तभी असली मजा आता है। मैंने बोला मुझे व्हाइट कलर का चाहिए, तो बोले ठीक है आपको कुछ काम करना होगा। मैंने बोला भाई बताइए कौन सा काम करना होगा। उन्होंने बोला कि आपको सबसे पहले 3500 रुपए आपको कंपनी के अकाउंट में जमा करने होंगे, इसके साथ ही आपको डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा। मैंने पैसे और कार में से कार को चुना था, सफारी कार को, और वहां पर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मुझे दूसरा एक नंबर दिया। मैंने बोला कि इस नंबर पर भेजना है या फिर दूसरे नंबर, उन्होंने बोला दूसरे नंबर पर आपको डॉक्यूमेंट भेजना, इस नंबर पे नहीं, हो सकता है ये टेम्परेरी कॉल वाला जो नंबर है वो टेम्परेरी होता है और एक परमानेंट नंबर हो जिस पर जो डॉक्यूमेंट मंगाया जा रहा हो। कहने की बात ये है कि ये एक तरह से स्कैम है,
लकी ड्रा, आप सोचिए कि कोई भी कंपनी, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, एमेजोन हो, ये लोग डेफिनेटली बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम लेते हैं। ऐसे कंपनियों के हो सकता है आपका जियो का नाम लेकर कोई फोन करे, कोई एयरटेल का नाम लेकर कोई फोन करे। ये कुछ समय पहले कौन बनेगा करोड़पति का जो शो है अमिताभ बच्चन जी का, उनका नाम लेके जो है इस तरह का फ्रॉड कर रहे थे। कुछ समय पहले ये लोग जो है जियो का, लकी ड्रॉ का, कुछ लोग का अंबानी का, नरेंद्र मोदी का, राहुल गांधी का, ऐसे बहुत सारे चीजों को लेकर जिसका बड़ा बड़ा नाम हो, जिसके लोगों लोग समझ रहे हो, जिसको जानते हो, उसके रिलेटिव ये लोग जो है संदर्भ में कॉल करते हैं और बताते हैं कि आपका लकी ड्रॉ निकला है, ठीक है, आपका नंबर पहले प्राइज में आया है। अच्छा हाँ, हमेशा आपका नंबर पहले प्राइज में आएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। और इस पहले प्राइज के चक्कर में आप लालच में आकर पैसे लोगों को दे देते हैं। कुछ लोग तो होशियार होंगे, मुझे पता है आप लोगों से बहुत सारे लोग जो है होशियार होंगे और मजे भी ले रहे होंगे कि हाँ भाई ये तो मेरे साथ हो चुका है, हालांकि मैं बच गया था। और कुछ लोग होंगे जो कि पैसे दे भी चुके होंगे, ये अलग से जो पैसे मांगते हैं। अभी तो मैंने बोला कि 3500 रुपए, इसके पहले जो है ये आंकड़ा बहुत ज्यादा था, 25 लाख की लॉटरी लगी हुई है, उसमें आपको 25,000, 15,000, 12,000 इस तरह का ऑफर किया जाता था। लेकिन यहां पर मैंने भाई से बोला, जब वो भाई तो थे नहीं कुछ, उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, अब मुझे थोड़ा सा अंदर ही अंदर ऐसा हो रहा था कि भाई एक व्यवस्थित समझदार आदमी, एक अधेड़ आदमी जो कि काफी मतलब हुनर वाला होता है, काफी मतलब अनुभव हो चुका होता है, ऐसा आदमी इस तरह का काम कर रहा, सोचिए भारत देश का भविष्य। कोई लड़का करे, कोई सिरफिरा करे तो समझ में आता है, लेकिन कोई समझिए कि कोई एक व्यवस्थित अधेड़ आदमी है जिसकी अच्छी खासी उम्र हो गई है, करीब जो है 40-50 साल की, 60 साल की, और वो इंसान इस तरह के फ्रॉड करे तो कितना खराब लगता है। हम भारत देश में रहते हैं, अगर कोई सुने तो कितना खराब लगता है। वहीं पर एक भाई और भी लोग हैं, कई सारे लीडर्स हैं, मैं यहां पर नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन समझिए आप लोग देखिए कि कोई लोग चाहते हैं कि देश की भलाई हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो योगी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, नीतीश कुमार जी हो, बहुत सारे नाम है गिनवा नहीं सकता। और कई लोग अपने देश के लोगों के साथ ही फ्रॉड करने पर जुड़े हुए हैं। हमें तो फ्रॉड अपने देश के नहीं, बाहर के लोगों के साथ फ्रॉड क्यों करना भाई, ईमानदारी से पैसे कमाओ, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। तो हुआ क्या, तो मैंने बोला कि भाई मुझे नौकरी चाहिए, तो बोल रहे हैं कि नहीं नौकरी नहीं मिल सकता है, आप पैसे लेकर बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, मैंने बोला ठीक है भाई, मैं नौकरी का ट्रेंड चला, मुझे लगा कि नौकरी ही मिल जाए, हालांकि मुझे पता था कि नौकरी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने बोला कि भाई इस नंबर पर आपको डॉक्यूमेंट देने हैं और आपको 3500 रुपये जो है उस पर मैं क्यूआर कोड भेजूंगा, उस क्यूआर कोड पर आपको डालने हैं, उसके बाद से जो ड्राइवर है वो चलाकर आपके घर पर गाड़ी की डिलीवरी करेगा। बताइए ये पूरा मामला है, आपको क्या लगता है कितने परसेंट लोगों को लगता है कि मुझे वो गाड़ी मिल जाएगी, मुझे वो सफारी कार मिल जाएगी व्हाइट कलर की, कितने सारे लोगों को लगता है नीचे कमेंट करके बताइए। और कितने सारे लोगों को लगता है कि ये एक तरह से स्कैम है, पूरी तरह के फ्रॉड है, और ये किसी भी इंसान के साथ हो सकता है। और इसलिए मैं ये वीडियो भी आप लोगों के लिए, एवरी वन के लिए, हर एक इंसान के लिए बना रहा हूं जो कि किसी भी कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल करता हो, चाहे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल, जो भी हो, चाहे वो लैंडलाइन इस्तेमाल करता हो, उसके पर भी कॉल आ जा रहा है आजकल जो है। अच्छा, आप लोग समझ रहे होंगे कि आखिर बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा, डाउट होगा कि आखिर इन लोगों के पास हमारा नंबर जाता कहां से है, ये लोग हमें कॉल करते कहां से हैं। तो भाई देखिए, जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, एमेजोन हो, जियो का हो, जीरोधा ट्रेडिंग ऐप का हो, कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, जब उसमें डालते हैं तो इनके पास एक अच्छा खासा जो है डाटा इकट्ठा हो जाता है इन सभी ऐप के साथ। जैसे मान लीजिए कि आपने फ्लिपकार्ट का ऐप डाउनलोड किया और आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के लिए एक मोबाइल नंबर चाहिए, उस मोबाइल नंबर को आपने उसमें डाला ऐप में, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है, आपका नंबर वेरीफाई हो चुका है, ठीक है, आपका नाम भी वेरीफाई हो जाता है, नंबर तो ठीक है, नाम भी हो जाता है। और ये अलग अलग व्हाट्सएप अगर है, व्हाट्सएप अगर आपके पास है, व्हाट्सएप में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें भी नंबर आता है, वो सभी नंबर कहां जा रहे हैं, वो व्हाट्सएप के डाटाबेस में सेव हो रहा है, चाहे जो भी ऐप में आप जो है नंबर डाल रहे हैं उसके डेटाबेस में सेव हो गया नंबर के साथ, नाम के साथ। अब वो लोग क्या, कंपनियां क्या करते हैं, ये सभी डेटाबेस को बेच देते हैं, पैसे में किसी को बेच देते हैं कि भाई लो ये मुझे इतने पैसे दो और इसको आप मार्केटिंग के तौर पर, मार्केटिंग कॉल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होता, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता, तो इसको आप भी खरीद सकते हैं,
मार्केटिंग के लिए। लेकिन आप सोचेंगे कि आप भाई खरीद करेंगे क्या, किस चीज की मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं, ये बहुत होता है तो 200 400 500 बहुत होगा तो 800 रुपए तक का जो है आपको चार्ज लगता है। और बहुत सारे लोगों का डाटा मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, अब आप सबको फोन कीजिए और इस तरह से ऑफर दीजिए और अपने थोड़ा सा मतलब बेवकूफ बना दीजिए और अपने खाते में अच्छा खासा अमाउंट मंगवा लीजिए। अगर रोज आप 10 लोगों को फोन करते हैं हो सकता है कि दो चार लोग फंस जाएं, लेकिन आप अपनी आत्मा से ये क्या कर रहे हैं, आप अपने आत्मा के खिलाफ जाके कर रहे हैं। आपका आत्मा जो है ये चीज गवाही नहीं देता कि आप इस तरह के फ्रॉड करें, स्कैम करें, लेकिन लोग कर रहे हैं। ये वीडियो इसलिए मैं आप लोग बना रहा हूं ताकि आप लोग जागरूक रहें और इस तरह के फ्रॉड स्कैम से बचें और हो सके तो इसका बहिष्कार करें। अपने घर में सभी को ये वीडियो दिखाएं या फिर इस वीडियो में बताई गई हर एक बात अपने घर में सभी अपने मित्रों को बताएं या फिर अपने रिश्तेदारों को बताएं, अपने भाई बहन मम्मी पापा को बताएं। हो सकता है कोई इसकी चपेट में ना आए और हो सकता है कि कोई आ भी जाए। तो ये स्कैम से बचिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस तरह की किसी भी वीडियो के लिए आप हमारे रामजी टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ व्हाट्सअप और फेसबुक पर भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक जो है सही वीडियो है, जागरूक फैलाने की वीडियो है ताकि किसी का भी मेहनत का पैसा कहीं नहीं जाए, स्कैम में नहीं जाए, फ्रॉड ना हो उसके साथ। फिलहाल मैं राम के प्रजापति मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में।